एक और नए ब्लॉग में आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 5 और आज डेट है 24 है मम्मी आज तेरे को डेट हर बार याद है 24 नवंबर। यानी कि 25 नवंबर को एक साल पहले चैनल हमारा मोनेटाइज हो चुका था, जिसके बाद भाई एड्स आनी चैनल पे शुरू हो गई थी, जो आप सबको पता ही है, बहुत ज्यादा खुशखबरी की बात है। लेकिन एक और खास बात ये है भाई, एक साल लगा था मेरे को, यानी कि जनवरी में मैंने चैनल स्टार्ट किया था, 11 मंथ्स लग गए थे मेरे को 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में। लेकिन लास्ट 25 नवंबर से पिछले साल तब से लेके आज तक हमने पूरे के पूरे 3200 सब्सक्राइबर के आसपास गेन कर लिया, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। ऐसे बनाइयो ये बनी रही है, बहुत लंबा टाइम लगा था मेरे को 1000 सब्सक्राइब करने में। हाँ। और एक खास बात और कि भाई अभी अभी कुछ दिन पहले मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम आ चुकी है, जो मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। उस वीडियो में भाई हम जाएंगे बाहर सेलिब्रेट करने के लिए, पापा को भी लेके चलेंगे। अभी पर और पापा ड्यूटी में है, दिवांशु गया हुआ फुटबॉल खेलने के लिए, और जस्ट अभी मैं भी जा रहा हूँ जिम। और अभी यहाँ पे भाई चल रही है महाभारत, जो कि भाई इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ी सी डिले हो रही है, लेकिन मैं आपको फटाफट से ना एक जिम के लिए रेडी होकर फिर मिलता हूँ, ठीक है। तो भाई मैं जिम में जाने के लिए रेडी तो बिल्कुल हो चुका हूँ, ये यहाँ पर मैंने भर ली है वाटर बॉटल, और उसी के साथ भाई जो मेरा प्रोटीन है वो तो मैं भाई जिम से आगे लूंगा। लेकिन उससे पहले प्री वर्कआउट में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक कॉफी का शीशे ले लेता हूँ, इसको मैं फटाफट से पानी में खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये जो ब्लैक कॉफी है ना, वैसे ये फायदा तो बहुत देती है, लेकिन भाई पीने के टाइम पे बहुत ज्यादा कड़वी होती है। वैसे मेरे को भी थोड़ी थोड़ी सी आदत हो गई है, इसलिए मेरे इतने ज्यादा गंदे एक्सप्रेशन नहीं आते, लेकिन भाई जो इसको फर्स्ट टाइम पिएगा ना, सच्ची में वो तो बहुत ज्यादा गंदे एक्सप्रेशन देगा कि भाई ये क्या पी लिया मैंने। लेकिन भाई एक्सप्रेशन की बात अलग है, लेकिन ये फायदा बहुत करती है, इसने मेरे काफी हद तक फैट लॉस हो गया है। यार मुंह सा खराब हो जाता है इससे, सारा टेस्ट खराब हो जाता है। और ये भाई मैंने इसमें थोड़ा सा पानी निकाल लिया था, तो इसको मैं वापस से रिफिल कर लेता हूँ, और मैं निकलूंगा भाई साइकिल पे। और एक और बात भाई, मैंने न्यू साइकिल भी ले ली है, जितने टाइम पे मैं यूट्यूब से ऑफर आया था ना, उस टाइम पे भाई बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं लाइफ में, तो वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा अभी। और अभी नई साइकिल लेके आया था, तो नई वाली साइकिल पे भी जिम चलेंगे। तो भाई मेरे रेडी होने से पहले ना मम्मी क्या कर देते हैं, चाय पापा के लिए पैक करके रख देते हैं। तो होता क्या है कि जितनी देर में मैं तैयार होता ना, इतनी देर में चाय ठंडी हो जाती है, तो मेरे को चाय को भाई दोबारा से गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ बैठे हैं मम्मी। मम्मी सबसे पहले तो मेरे को आप ये बता दो कि आज आप सब्जी क्या बना रहे हो? मैं आलू गोभी बना रही। सही बताओ। सही भाई, आलू गोभी तो मेरी एक नंबर की फेवरेट सब्जी है, उसके साथ में पूरी तो नहीं ना बना रहे? नहीं मैंने नहीं खानी, मुश्किल से तो भाई थोड़ा थोड़ा सा पेट कम किया, पूरियां खाऊंगा तो वापस फैल जाएगा। लेकिन भाई दूसरी बात एक और, अभी ना थोड़ी देर पहले भाई हमने डोमिनोज के पिज्जाज मंगाए थे, जो कि भाई खा लिया, वो जैसे चीट मिल नहीं कहते, एक चीट मिल स्टाइल में वो थी, ठीक है। लेकिन भाई कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभार चलता है, वैसे काफी दिनों से भाई नहीं खाया। फाइनली ना कंप्लीट रेडी हो चुका हूँ जिम जाने के लिए, साइकिल पे मैंने जितना अपना सामान था वो भी लोड कर लिया, लोड वो मैं आपको दिखाता हूँ भाई क्या कुछ करा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पापा के लिए लोई रख ली जो पापा को देनी है, उसी के नीचे यहाँ पे ये अपनी वाटर बॉटल, और ये रही भाई चाय जो पापा को चाय देनी है। और नई वाली साइकिल ना भाई अभी तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया, अभी तो मैं आपको क्या ही दिखाऊंगा, थोड़ा सा आगे चल के ना, या फिर कल दिन में नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि भाई साइकिल असल में है कौन सी, ठीक है। तो भाई अभी तो मैं हो रहा हूँ थोड़ा सा लेट, ठीक है। तो एक और मैं पापा को पहले चाय पकड़ा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्टली जिम पहुंच के मिलूंगा, ओके। हाँ तो भाई यहाँ पे मैंने पापा को सामान दे दिया, चाय और लोई। और पापा अभी मैं जा रहा हूँ जिम, कोई काम तो नहीं? और जाऊँ फिर? चलो फिर वापसी में आपको ले चलूंगा, चलो ठीक है, बाय। तो भाई पापा को सामान तो मैंने पकड़ा दिया, और अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, तो मैं आपको डायरेक्टली मिलूंगा जिम पहुंच के, ओके। तो भाई जिम में तो मैं पहुंच गया हूँ, अभी जस्ट जिम के बाहर खड़ा हूँ। ये है भाई अपने जतिन भाई, हेलो, जिम के ओनर और हमारे कोच है भाई। कल लगाई थी जस्ट, आज क्या लगवाओगे? आज बैक बड़ी चल रही है। चलो ठीक है, और हैवी लगाना आज है, थोड़ा हैवी ठीक है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि सुबह जब मैं उठूँ ना, तो भाई पता लगना चाहिए कुछ लाया था, लेग वाला आपको बता नहीं देता कि पेन नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, और अब हो रहा है। अरे भाई मजा भी आ रहा है, शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे। हाँ और अभी मजा भी आ रहा है, तो भाई फटाफट से वार्म अप करके वर्कआउट को शुरू कर दे। दूसरी बात ये कि भाई मैं अंदर ना वॉइस के साथ शूट नहीं कर सकता, क्योंकि
भाई गाने चल रहे हैं है ना, और डिस्टर्ब हो जाएंगे कॉपीराइट अभी, और भाई गाने बंद करने के लिए कह नहीं सकते क्योंकि बिना गाने मजा नहीं आता। तो भाई फटाफट से वर्कआउट को शुरू करते हैं। तो भाई अभी मेरा तो वर्कआउट जो है वो खत्म हो चुका है, साथ में आ गया भाई, क्या नाम आपका? विशाल भाई। विशाल तो भाई दोनों का नाम विशाल है, और मेरा वर्कआउट खत्म हुआ और भाई की अभी एंट्री हुई है जिम में। कैसे हो भाई? बस बढ़िया यार। क्या लाना है आज? सोच रहा था चेस्ट लगाऊं। अच्छा सोच रहे हो कि ना होगे? ये सोचा है, अब अंदर जाके देखता हूँ क्या बनता है। अच्छा भाई मैंने तो बैग लाई है, मेरा तो कम्प्लीट हो गया। अच्छा कैसा फील हो रहा है? और दूसरी भाई मजे की बात यह है कि भाई बार बार शूट करने के लिए ना जिम के ही देखो जिम के बाहर आना पड़ता है, क्योंकि भाई अंदर चल रहे हैं ऊंचे ऊंचे गाने, और अगर भाई उस टाइम शूट कर लेना भाई कॉपीराइट आ जाएगा जो कि भाई यूट्यूबर्स की सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए बार बार शूट करने के लिए बाहर आना पड़ता है, और फटाफट से भी अंदर चलते हैं। ठीक है ओके ओके चलो चलो वर्कआउट। और भाई ठीक है, तो भाई यहाँ पे मेरा और भाई विशाल भाई का वर्कआउट जो ऑलमोस्ट मेरा खत्म हो गया, भाई का शुरू हो गया, मिड तक पहुंचे गए, मिड तक। और अभी भाई की दो रील्स बनाई मस्त मस्त, वो आपको भाई के इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दो। दी विशाल को आपको ना मैं अभी स्क्रीन पे लिखा के दिखा दूंगा। ठीक है भाई का फॉलो जरूर करना, ये बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, भाई की रील बहुत अमेजिंग है। ओके तो भाई ये देखो पीछे खड़ी साइकिल। और भाई अच्छा वर्कआउट आपने करा दिया, कैसा रहा वर्कआउट? बहुत बढ़िया था, बहुत मेहनती आदमी। ये तो मजाक की बात थी, कल मेरी तो लेग शोल्डर है। अच्छा और मेरी कली शोल्डर? कले शोल्डर। चलो ठीक है भाई मिलते हैं, बाय। तो भाई वर्कआउट खत्म करके ना मैं घर पे पहुंच गया, और अभी टाइम हो रहा है भाई 8 बजने में, मेरे ख्याल 10 मिनट रहते हैं। और ये रहा भाई मेरा प्रोटीन शेक, आप क्या कहते हैं उसको, पोस्ट वर्कआउट। तो अभी ये तो मैं ये ले रहा हूँ प्रोटीन, और कम से कम आधे घंटे के बाद मैं लूंगा डिनर, तो मैं आपको मिलूंगा डायरेक्टली भाई डिनर के टाइम पे। ओके तो भाई पोस्ट वर्कआउट के बाद आधा घंटा मेरे को हो चुका है, और सामने रखा है मेरा डिनर आलू गोभी की सब्जी, जैसा कि आपको मम्मी ने बताया था कि आज वो बनाने वाले हैं, बहुत ज्यादा भाई मेरी तो फेवरेट है, और अब मेरे से वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। फटाफट से मैं डिनर करता हूँ, और इस ब्लॉग को मैं सिर्फ भाई आज का ब्लॉग सॉरी थोड़ा सा छोटा है, बट पता क्या अभी खाना खाने के बाद जस्ट मैं थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करके मैं सो जाऊंगा, तो आज के ब्लॉग में कुछ आगे को तो दिखाने का है नहीं। तो आज के ब्लॉग को सिर्फ इतना ही रखते हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है उसको जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नीचे रेड कलर का बटन दबा के। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, बाय बाय। Take care. It's sleeping soon.